हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन परचेज करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। अगर आप मेकअप में नए हैं और अपनी फर्स्ट एवर फाउंडेशन परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेसिक्स कि आपको फाउंडेशन ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या काउंटर पर जाकर परचेज करना चाहिए, या काउंटर पर करना चाहिए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले कोई भी फाउंडेशन परचेज करने से पहले प्लीज आप अपने स्किन के अंडरटोन को पहचानिए कि आपकी स्किन की अंडरटोन क्या है। आप कूल अंडरटोन के हैं या वार्म अंडरटोन के हैं। अब ये पता लगाने के लिए आप सनलाइट में खड़े हो जाइए और आप देखिए कि आपके रिस्ट पर जो ये वेन्स हैं ये किस कलर की हैं। अगर आपकी वेन्स ग्रीन कलर की हैं तो इसका मतलब आप वार्म अंडरटोन के हैं, और अगर आपकी ये वेन्स पर्पल कलर की हैं या ब्लूइश पर्पल कलर की हैं तो इसका मतलब आप कूल अंडरटोन के हैं, और अगर आपकी कुछ वेन्स ग्रीन हैं और कुछ पर्पल हैं तो इसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। तो सबसे पहले आप अपने अंडरटोन के बारे में जरूर पहचानिए। जैसे कि अगर आप कूल अंडरटोन के हैं तो आपकी फाउंडेशन का भी जो अंडरटोन होगा वो कूल होगा, वो थोड़ा सा पिंकिश होगा। और इसी तरह से अगर आप वार्म अंडरटोन के हैं तो आपकी फाउंडेशन का अंडरटोन में येलोइश ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट, आपको फाउंडेशन परचेज करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फाउंडेशन परचेज करने का सिर्फ एक ही बेसिक रूल है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखें कि अगर फाउंडेशन लिक्विड हो या क्रीम बेस हो वो हाइड्रेटिंग होनी चाहिए अगर आपकी स्किन ड्राई है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो चाहे वो लिक्विड फाउंडेशन हो या क्रीम बेस्ड फाउंडेशन हो वो मैटिफाइंग होनी चाहिए। सो इट मींस अगर किसी फाउंडेशन की बॉटल पर लिखा है हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग, तो दैट मींस कि वो ड्राई स्किन पीपल के लिए ही बनी है। और इसी तरह से अगर किसी फाउंडेशन पर लिखा है शाइन फ्री, शाइन कंट्रोल, मैट या मैटिफाई, तो वो फाउंडेशन जो है ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में ही इन्वेस्ट करें और अपने टी जोन एरिया को वो पाउडर से सेट करें, बिकॉज कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन एरिया ही जो होता है जो ऑयली होता है, इसलिए आप उसे पाउडर से सेट करें ताकि आपका जो बेस है बिल्कुल इवन आउट हो जाए। बात करेंगे कवरेज की। फाउंडेशन या तो फुल कवरेज हो सकती है या शीयर कवरेज हो सकती है। इसके लिए भी सिंपल रूल है, जो फाउंडेशन जितने थिक फॉर्मूला में होगी वो उतनी ज्यादा कवरेज देगी, और जो जितनी शीयर फॉर्मूला की होगी, जो जितनी थिन लगेगी दिखने में, वो स्किन पर भी उतनी ज्यादा थिन लेयर क्रिएट करेगी, एक शीयर कवरेज देगी आपको। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन एंड योर प्रेफरेंस कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ है, आप ब्लेस्ड हैं एकदम क्लियर स्किन से, आपको कोई ब्लेमिशेस नहीं है, तो आपको फुल कवरेज फाउंडेशन की भी आई गेस कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो शीयर कवरेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज शीयर कवरेज के जो फाउंडेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्किन लाइक लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगता है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। बट अगर आपकी स्किन पर कुछ ब्लेमिशेस हैं, एक्ने मार्क्स हैं और कुछ टेक्सचर आपकी स्किन है, तो आपके लिए फुल कवरेज फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। बट स्टिल अगर कोई फाउंडेशन है जिसका कि थोड़ा मीडियम कवरेज है और आपकी स्किन में थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स हैं या ब्लेमिशेस हैं, तो आप जो शीयर कवरेज की फाउंडेशन है उसे आप बिल्डअप कर सकते हैं। मीन्स आप उसकी दो या तीन लेयर्स भी लगा सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ब्लेंडिंग। अगर आप अच्छे से एक लेयर को या दो दूसरी लेयर को ब्लेंड नहीं करेंगे और उसके बाद फिर से एक और लेयर लगा लेंगे तो वो बिल्कुल आपका मेकअप केकी कर देगी और बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगी अच्छे से, बिल्कुल आपका फेस मेडअप लगेगा, ऐसा लगेगा आपने एक दो किलो मेकअप थोपा हुआ है। उससे अच्छा है कि अगर आप फुल कवरेज मेकअप चाहते हैं तो प्रेफरेबली आप फुल कवरेज फाउंडेशन में ही इन्वेस्ट करें, बट अदरवाइज अगर आपकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप शीयर कवरेज से भी काम चला सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर एक दो मार्क्स दिख भी रहे हैं तो क्या हो गया, तो उसमें उस केस में आप शीयर कवरेज से भी काम चला सकते हैं। एक फाउंडेशन आता है ड्यूई स्किन फाउंडेशन या इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन।
ये फाउंडेशंस वो होते हैं जो कि आपके स्किन में विद इन ग्लो देते हैं, ताकि आपका फेस जो है विद इन ग्लो करे, आपका मेकअप जो है बिल्कुल पार्टी स्टाइल लगे या आपके स्किन पर बहुत ज्यादा मेडअप ना लगे। ऐसे फाउंडेशन की कवरेज यूजुअली बहुत कम होती है, बट ये बिल्कुल स्किन लाइक लगते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। इसी तरह की एक फाउंडेशन जो कि मैंने रिसेंटली परचेज की है और वो मेरी बिल्कुल फेवरेट बन गई है, एले गर्ल की प्रो कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, ये HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है। बिल्कुल स्किन लाइक लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है और सैडली ये मेरा रॉन्ग शेड आ गया है, अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे दूसरी फाउंडेशन परचेज करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ऑनलाइन परचेजिंग करने में कई बार गड़बड़ हो जाती है और हम रॉन्ग शेड परचेज कर लेते हैं। आप भी इस फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा प्राइसी साइड पर है, बट इट वर्थ द मनी, बिकॉज ये इतना अच्छा फाउंडेशन है, इतना स्मूथली ब्लेंड होता है और शीयर टू मीडियम कवरेज है इसका, फुल कवरेज फाउंडेशन ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने मार्क्स हैं और पिगमेंटेशन है तो आपको इससे पहले कंसीलिंग करनी पड़ेगी या आपको करेक्टर यूज करना पड़ेगा, बट अदरवाइज ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं बात करूं ऑयली स्किन वालों के लिए, तो ऑयली स्किन वालों के लिए जो मैटिफाई फाउंडेशन मेरे पास है वो है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और दूसरा है फिटमी मेबलिन फिटमी, जो कि सभी का फेवरेट है। ये दोनों फाउंडेशंस बहुत ही अच्छे हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, इवन मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इन दोनों फाउंडेशंस के नीचे ऑयल प्राइमर यूज करके भी इन फाउंडेशंस को अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, ये दोनों ही मेरी स्किन पर बिल्कुल मैट इफेक्ट देती हैं अगर मैं इनके अंडरनीथ ऑयल प्राइमर यूज नहीं करूं तो। अगर आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन है जो कि आपके स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग नहीं है या आपके स्किन टोन से मैच नहीं करता है, तो आप मिक्स करके भी उसमें उसको अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मैट फाउंडेशन में ऑयल मिक्स करके इसे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन बना दिया। अगर आप प्राइमर परचेज करने के लिए भी कंफ्यूज हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लास्टली मैं इस फाउंडेशन की बात करूंगी, ये है मेरी पैक HD फाउंडेशन जो कि मेरी फेवरेट है। अगर मैं इसे बिल्डअप करना चाहूं तो ये मुझे फुल कवरेज भी देती है, और अगर मैं इसकी एक या दो पंप ही अपने फेस पर लगाऊं तो ये मुझे बिल्कुल नेचुरल फिनिश भी देती है, बिल्कुल शीयर कवरेज भी देती है और बिल्कुल स्किन लाइक फाउंडेशन लगती है। इतने अच्छे से फेस पर सेट हो जाती है कि लगता ही नहीं है कि बिल्कुल मेकअप किया हुआ है, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। अगेन पैक के जो स्टोर्स हैं वो कई जगह अवेलेबल हैं, ऑनलाइन तो ये आपको मिल ही जाएगा, बट अगर आप इसका स्वॉच देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं तो आप रजौरी गार्डन में जरूर चेकआउट कर सकते हैं इनके स्टोर पर। काफी अच्छी फाउंडेशन है, ड्राई स्किन ऑयली स्किन सभी स्किन टाइप्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इतना सब रिसर्च कर लिया, अपनी अंडरटोन भी चेक कर ली, स्किन का टेक्सचर भी चेक कर लिया, अब जब हम परचेज करने जाते हैं काउंटर पर तब भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज काउंटर पर जो गर्ल्स होती हैं वो ज्यादातर जो प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होता है वो उन्हें उससे सेल आउट करने की कोशिश करती हैं। उन्हें हमारे स्किन कंसर्न से या हमारी अंडरटोन से इतना लेना देना नहीं होता है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ बट काफी हद तक यही होता है। और दूसरी बात, जब भी हम फाउंडेशन परचेज करने जाते हैं जो काउंटर पे गर्ल्स होती हैं वो हमारे रिस्ट पर फाउंडेशन स्वॉच करती हैं या कंसीलर स्वॉच करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपकी रिस्ट का कलर अंडरटोन और आपकी स्किन का अंडरटोन बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपका बॉडी पार्ट है, ये आपका फेस का टोन है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर स्वॉच किया हुआ फाउंडेशन का कलर यहाँ से कभी मैच नहीं होगा, इसलिए कभी भी आप फाउंडेशन परचेज करने जाएं तो आपको अपने जॉ लाइन पर फाउंडेशन को स्वॉच करके देखना चाहिए। फाउंडेशन को कलर सेलेक्ट करने से पहले मैं आप सभी लेडीज से रिक्वेस्ट करना चाहूँ, फाउंडेशन के कलर को अपनी स्किन से मैच कीजिए। आपका जो भी स्किन कलर है आप उसे एक्सेप्टेंस दीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप व्हीटिश स्किन के हैं या आपकी स्किन टोन थोड़ा डार्क है तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, आपको व्हाइट कलर का फाउंडेशन लेना चाहिए या फेयर कॉम्प्लेक्शन का
फाउंडेशन लेना चाहिए, वो आप पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर में वो बिल्कुल ग्रे दिखने लगेगा, ऐशी हो जाएगा, वो आपकी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए प्लीज फ्रेंड्स, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन लीजिए। अब वो टाइम नहीं है जो पहले था कि लैक्मे के काउंटर पे जाओ और सिर्फ 3 या 4 शेड्स होते थे जो कि सारे ही फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए होते थे, और वो जो मेकअप वाली दीदी बोलती थी और वही हम लेकर आ जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट स्किन टोन्स के लिए इतने सारे शेड्स अवेलेबल करवाते हैं। आपको अपनी स्किन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच का ही फाउंडेशन परचेज करना चाहिए। मैं इस बात पर और ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकती हूँ। आप स्ट्रिक्टली जो काउंटर पे गर्ल है, आप उसको बोलिए कि मुझे मेरी ही स्किन टोन का फाउंडेशन देना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फाउंडेशन नहीं चाहिए जो कि मेरी स्किन पर अलग से दिखे, कि वो दिखे कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है, ऐसा फाउंडेशन मुझे नहीं चाहिए। सो अब बात करते हैं कि आपको अपने फाउंडेशन को कहाँ स्वॉच करना है। आपके अपने फाउंडेशन को जॉ लाइन पर स्वॉच करना है। जो फाउंडेशन ऐसे करते ही आपको नीचे लाते ही ब्लेंड कीजिए और वो गुम हो जाए, आपको दिखे ही नहीं कि आपने कहाँ लगाई थी। वो फाउंडेशन आपकी स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, आपको वही फाउंडेशन परचेज करना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अंडरटोन की बात कर रही हूँ कि आपको किस टोन का फाउंडेशन परचेज करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपनी फाउंडेशन परचेज करते समय कोई जल्दी नहीं करनी है कि आज गए हैं और लेकर ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बल्कि एक काउंटर के बजाय 2 काउंटर में जाइए, अपनी पूरी तसल्ली कीजिए कि एक गर्ल आपको क्या शेड सजेस्ट कर रही है तो दूसरा आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी रिसर्च के बाद ही फाउंडेशन परचेज कीजिए, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपने फाउंडेशन में इन्वेस्ट कीजिए। सो गाइज, ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं यूज करती हूँ जब भी मुझे कोई फाउंडेशन परचेज करनी होती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछते रहते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट लें, तुम मेरे साथ चलो। तो मैं सबके साथ जाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा और आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आंसर जरूर करूंगी। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।